हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल 3D VFX इंस्ट्रक्टर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं गाइज। सबसे पहले वीरे को यहाँ पे, वीरे स्काई यहाँ पे आप लगा लो। रेंडर में जाओ, एनवायरनमेंट में आ जाओ। एनवायरनमेंट में आने के बाद यहाँ पे आप राइट क्लिक करके या डबल क्लिक करके आप यहाँ पे वीरे स्काई हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। फॉर अ टाइम बीइंग लेट्स अप्लाई द वीरे स्काई। ओके, प्रेस सी, रेंडर। सो इसका यहाँ पे लगा दिया मैंने वीरे स्काई अभी, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो लाइटिंग का बेनिफिट क्या है। अभी देख रहे हो यहाँ पे एक लाइट यहाँ पे शो कर रही है। अभी अगर मैं यहाँ पे लैंप, जो लाइट है सोर्स ऑफ लाइट में, अगर मैं वीरे सन को बंद कर दूँ यहाँ पे और यहाँ पे एनवायरनमेंट को भी बंद कर दूँ, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक लाइट है अभी, ठीक है। वो लाइट सब में मेरे को कॉपी करनी है, ठीक है। सो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, तो बाद में फिर मैं और भी डोम लाइट को यहाँ पर लगाऊँगा, ठीक है। अभी जितने भी लैंप हमने लगा रखे हैं यहाँ पे, वॉल लैंप, ठीक है, इसमें एक लाइट है। और आप क्या कर सकते हो ना, ये थोड़ा सा स्मूद अगर इसको मैं कर दूँ, ऊपर सब डिवीजन डाल दूँ, तो लेट्स, ये प्रॉक्सी है ना। अभी इसको मैं पूरा शो होल मैच करता हूँ तो एकदम रियलिस्टिक आएगा रिजल्ट इसका, ठीक है। तो प्रॉक्सी में ही देख लेते हैं इसको फिलहाल। फेस बाउंड बॉक्स एज, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, आप आके यहाँ पे लाइट पे क्लिक कर लो, आप बस लाइट ही सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसको डुप्लीकेट करूँगा, इंस्टेंट करूँगा, सो दैट अगर मैं जो भी चेंजेस अगर मैं उसमें करता हूँ लाइट में, तो यहाँ पे भी हो जाएंगे, ठीक है। सो मैंने इसको यहाँ पे कर लिया कॉपी, देन सी, अब थोड़ा सा देखते हैं कैसा आउटपुट आ रहा है। वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, लाइट सारी विजिबल है। थोड़ा सा अगर हम एनवायरनमेंट ऑन कर लें तो थोड़ा सा देखो कितना अच्छा लुक एंड फील आ गया अपना। ऐसा मॉर्निंग टाइप का फील नहीं आता, वैसा आ गया। सन को ऑन करो आप, ये देखो इन्वायरमेंट को अगर मैं यहाँ पे कम कर दूँ, लेट्स से 0.5 कर दूँ, 0.2, 0.1, नाउ यू कैन सी अभी बहुत कम क्वालिटी रख रखी है मैंने। अभी यू नो अभी मैं बढ़ाऊँगा क्वालिटी को, पहले लाइटिंग कर लेते सारी अच्छे से, ठीक है। सो यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हो आप, ठीक है। हिस्ट्री सेव कर लेना भाई आप बार बार, ठीक है, हिस्ट्री सेव कर सकते हो। सो कट कर देते हैं यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, लेट्स प्लेस सम मोर लाइट्स ओवर हियर। ठीक है,
लेट्स ओपन वीरे कॉस्मोस। आप वीरे कॉस्मोस को ओपन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी ऑल लाइट्स को यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पे लाइट्स आपको चाहिए, आप यहाँ पे टाइप कर दो, ठीक है। लाइट लाइट्स चाहिए मेरे को, ठीक है। ये डाउनलोड में शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। अगर आपको डाउनलोड फाइल नहीं चाहिए तो यू कैन चेंज ऑल एसेट्स यहाँ पे डाल दो, सो आपको अलग अलग लाइट्स यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। जो भी लाइट्स आपको चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। सो वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट इन वीरे कॉस्मोस, यू कैन यूज़ एनी ऑफ वन, ओके। सो लेट्स से मेरे को पसंद तो आ रही है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। ट्रेंड के अकॉर्डिंग लाइटें प्लेस कर सकते हैं ना, ट्रेंड में जो चल रही है आजकल, ट्रेंड में ये वाली लाइट चल रही है स्पॉटलाइट टाइप। कुछ इस टाइप की लाइट चल रही है वैसे तो, ले लेते हैं सर्कल वाली लाइट ले लेते हैं। आई थिंक ये डाउनलोड में है, डाउनलोड में आ जाओ, प्लेस कर दो, ठीक है। जेड प्रेस कर दो, फोकस ऊपर ले जाओ आप, ठीक है। कुछ ज़्यादा बड़ी आ गई है ना, इसको आप छोटा कर देंगे, ठीक है। टॉप व्यू में आ जाओ आप, यहाँ से इसको मूव कर लो, ठीक है। प्रेस जेड, हाँ मुझे स्विमिंग पूल की लाइट चाहिए ना, तो क्या करते हैं, लेट्स इंपोर्ट दिस वन, प्रेस जेड, फोकस, ठीक है।
और इनका भी कलर अगर मैं वार्म ना करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नॉर्मल लाइट रखूँ, कलर वाइट कर दूँ इनका तो ठीक है, वैसे वाइट में भी सही रखती है लाइट। नॉर्मल टेम्परेचर अगर देखना है, टेम्परेचर भी खेलना है, टेम्परेचर आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आप आ जाओ यहाँ पे, कुछ लाइट है प्लेन लाइट मुझे चाहिए यहाँ पे, तो आप लाइट में आ जाओ, यहाँ पे वीरे में आ जाओ, यहाँ से ले लो वीरे लाइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वीरे लाइट मुझे क्रिएट करनी है, स्पीयर लाइट आई डोंट वांट स्पीयर लाइट, आई वांट प्लेन लाइट ओवर हेयर, लेट्स क्रिएट अ प्लेन लाइट। मैं यहाँ पे प्लेन लाइट ले लूँगा, ठीक है, इसको यहाँ सेट करूँगा, देन जेड प्रेस करूँगा, सिंपल सा यहाँ पे ऊपर ले जाओ उसको, ठीक है। और आपको स्केल करना है ना, मॉडिफाई में आना है आपको, यहाँ से लेंथ और विड्थ स्केल करनी है मैनुअली, ठीक है। देन इसको मूव कर दो यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दो 50 के अप्रॉक्स, ठीक है। थोड़ा सा मूव कर दो इसको ऐसे, ठीक है, थोड़ी सी विड्थ को कम कर दो, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से ना इनविजिबल कर दूंगा लाइट को, ठीक है, और इसकी रिफ्लेक्शन मुझे चाहिए होगी, अभी देखते हैं कैसा आता है, उसके बाद रिफ्लेक्शन पर देखेंगे क्या करना है। ठीक है, आपको टारगेट उसको ऑन करना है ना, टारगेट टारगेट ऑन कर दो उसका, यहाँ तक तो मुझे चाहिए लाइट, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई कर दो, मैं तो कह रहा हूँ 400 करके देखते हैं कितना रिजल्ट आता है इसका, एक बार देखते हैं, 400 ज़्यादा हो गया, 100 200 कर लेते हैं, इतना बहुत है, मतलब यहाँ तक आया इसका लाइट का, जो भी इंटेंसिटी मेरे को इतनी रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी। तो नाउ यू कैन सी इट्स लुक बेटर देन बिफोर, ठीक है। अब सेम लाइट को मुझे कॉपी करना है यहाँ पे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन सब का टारगेट ऑन कर दो पहले तो, ठीक है। टारगेट देखो कहाँ तक जा रही लाइट, यहाँ पे रखो उसका टारगेट, ये किसका टारगेट पिक कर लिया मैंने, वीरेशन का टारगेट पिक कर लिया बाल को। अब आप क्या करो, इसको सेलेक्ट कर लो आप, लाइट आप ना एक काम करो, लाइट मोड में आ जाओ आप यहाँ पे, आपको फिर टेंशन ही नहीं है, आप सिंपल इजीली सेलेक्ट कर पाओगे इसकी टारगेट को। मैं टारगेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये बार बार ये सिलेक्ट हो जा रहा है, टारगेट को डिसलेक्ट कर दो, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो टारगेट को, और सिलेक्ट दिस लाइट ऑल्सो, दिस वन ऑन द टारगेट,
टारगेट ऑन कर दिया इसका हमने, कहाँ चला गया टारगेट, लेकिन ये रहा टारगेट इसका, और यहाँ पे शिफ्ट करना उसका टारगेट को यहाँ पे, ठीक है। इसका भी टारगेट ऑन कर दो, देखो उसका टारगेट कितना नीचे आ रहा है, ठीक है। इनविजिबल, ठीक है, लाइट को इनविजिबल कर देना आपको, डन। अब मैं क्या करूँगा, ज्योमेट्री में आ जाओ, या हाँ ठीक है ज्योमेट्री में आ जाओ, फोर प्रेस कर लो, ठीक है, और इसको ऑल्ट की प्रेस करके आइसोलेट कर लो आप, एक एडिट पोली मोड में आ जाओ, फोर प्रेस करो, और ये जितनी भी फेस है ना ये वाले, इन फेस को ना मैं आगे के फेस सेलेक्ट करूँगा, बस यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया आपने। और इसको मैं करने वाला हूँ यहाँ पे डिटैच, डिटैच, और इसको मैं ला लूँगा मैस्क लाइट के नाम से सेव कर लेता हूँ, ठीक है, अंडरस्कोर लाइट मैस्क लाइट, फाइव प्रेस कर लो आप, बाहर आ जाओ, नाउ यू कैन सी वी गॉट अ लाइट ओवर हेयर। तो उसको करेंगे अभी, ऑल्ट क्यू प्रेस करके बाहर आ जाओ आप, ठीक है। अब मुझे कुछ लाइट मुझे यहाँ पे भी चाहिए, बेसिकली इसकी भी चाहिए मुझे, और इसके में भी ऐड करना है, नहीं इधर तो नहीं है वैसे, ठीक है। एडिट पोली में आ जाओ आप, फोर प्रेस कर लो, ठीक है, सेलेक्ट कर लो, मैनुअली सेलेक्ट कर लो, डोंट वरी, मैनुअली ही सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देखो कितना अंदर जा रखा है ये, ठीक है, डन। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप लेटेस्ट वर्जन पे ही काम करो, एक्चुअली होता क्या है ना, द थिंग इज इफ़ यू आर वर्किंग यू नो लेटेस्ट वर्जन आप यूज़ करोगे, इफ़ यू आर वर्किंग विद द लेटेस्ट वर्जन सॉफ्टवेयर लाइक, सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल एज आपको नई नई सेटिंग्स मिलेगी। अभी देखो पता क्या होता है कि जब मैं ऐसा मैंने फील किया है कि जब मैं आइसोलेट करता था तो मैं ऑल्ट की प्रेस करता था ना, मुझे वापस से मैं उसमें ना आइसोलेशन मोड में जाने के बाद मेरे को मैनुअली बाहर आना पड़ता था, लेकिन नए वर्जन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो आप लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करो 3ds Max का, ठीक है, और वीरे भी लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करना, डिटैच कर दो उसको, ठीक है, मैस्क लाइट के नाम से सेव कर लेते इसको, ठीक है, डन। अब मैं क्या करूँगा, ऑल्ट क्यू F4 प्रेस कर लेता हूँ, देन मेरे को एक मैस्क लाइट क्रिएट करनी है यहाँ पर, ठीक है, आप आ जाओ यहाँ पे ऑल में, मुझे वीरे लाइट में से यहाँ पे मैस्क लाइट चाहिए, तो मैंने मैस्क लाइट बना ली यहाँ पे, मॉडिफाई में आ जाओ, यहाँ से कर लो उसको पिक मैश, पिक मैश का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये रहा पिक मैश, तो पिक मैश का ऑप्शन दिख रहा है, मैंने पिक कर लिया, अगेन आई वांट अनदर लाइट, आई वांट टू क्रिएट अनदर लाइट ओवर हेयर, सो लेट्स क्रिएट वन मोर मैश लाइट ओवर हेयर। आप क्रिएट कर लो, देन मॉडिफाई में आके पिक मैश कर लो, किसको करना है अभी, अब हमें इस वाली को करना है, इस वाले फेस को करना है, लेट्स सेलेक्ट, ठीक है, इसको इनविजिबल नहीं करेंगे क्योंकि हमें चाहिए वहाँ पे लाइट एक्चुअल में, ठीक है। आप सी प्रेस करो और रेंडर मार के देखते हैं एक बार, नाउ यू कैन सी वी गॉट अ नाइस आउटपुट ओवर हियर, आप सोर्स लाइट में आ जाओ, अभी जो लाइट लगाई है ना मैस लाइट, बंद करो उसको, अभी देखेंगे देखते कैसा रिजल्ट आता है। मैंने इसको लगाता हूँ, ये लाइट दिख रही है नहीं दिख रही,
हाँ जल रही है लेकिन इतना अच्छा आउटपुट नहीं आ रहा इसका। ये लाइट हो गई, एक ये लाइट हो गई, एक ये लाइट हो गई, एक ये लाइट हो गई, ठीक है ये वाली ठीक है, ये सारी ऑन कर लेते एक बार, ठीक है। वीरे सन को बंद कर लेते अगर तो, ठीक है अच्छा आ रहा आउटपुट तो। क्यों ना हम इसको भी वॉर्म वाला फील कर लें, क्योंकि वॉर्म वाले में एक बार देखते कैसा आउटपुट आता है। ठीक है प्रेस पी, वॉर्म वाली लाइट हमने किसमें लगाई थी, लाइट में आ जाओ पहले तो। ठीक है इसको सेलेक्ट कर लो, इसका भी वाइट है ना आई थिंक इसमें शायद, इसका कलर कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी एक बार डाल के देखते हैं कैसा लगता है। ठीक है पेस्ट पेस्ट, थोड़ा सा डिफरेंस पता लग जाएगा ना किसका कितना अच्छा निकल रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है गाइस, क्योंकि वो ना एक यू नो मर्ज हो जा रहा है, वो मर्ज हो जा रही लाइट। ठीक है यही यही कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर है वैसे। पेस्ट प्रेस पी, ठीक है अब ये इंस्टेंट तो है ही है, एक में करेंगे सब में हो जाएगा। ओके क्लोज ऑल, ठीक है पेस्ट, ठीक है अच्छा तो टेम्परेचर लगा रखा है ना, कलर ले जाओ, अब पेस्ट हो गया ये। ठीक है यहाँ पे भी कर देते पेस्ट और इसमें भी कर देते पेस्ट, लेट्स सी द आउटपुट। अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अगर वीर एनवायरनमेंट को ही बंद कर दे तो अब आ रहा है फील, और मैं इस लाइट को मैं बढ़ा दूं, लेकिन इतनी बढ़ानी नहीं है, वन वन ही रखो, बाद में देखेंगे क्या करना है। ठीक है ओके, अब एक प्लेन लाइट लेते हैं जो अंदर इंटीरियर में लगा लेते हैं। ठीक है वीरी लाइट प्लेन लाइट, इसके मॉडिफाई में जाके इसमें भी पेस्ट कर दो, या इसको व्हाइट रहने देते हैं। इसको ना ऑल मोड में आ जाओ, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, ऑल्ट क्यू आइसोलेट, ठीक है 50 कर दो उसको, और इनविजिबल करते चलना गाइस। ठीक है
प्रेस सी, सी प्रेस करने से, सी इज दी शॉर्ट कमांड ऑफ कैमरा, कैमरा मोड में अगर आपको एंटर करना हो तो सी प्रेस कर सकते हो, ठीक है। ये लाइट मैंने ले ली यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे ऊपर, ठीक है। अभी इसकी लाइट की जो रिफ्लेक्शन आ रही है ना, मतलब मटेरियल की जो है, एम प्रेस करो एक बार, आई ड्रॉपर टू लो क्लिक करो, कम कर लो थोड़ी सी रिफ्लेक्शन। अब बहुत है, एक बार रेंडर मार देखते हैं कैसा आता है आउटपुट। सेव कर लो फाइल को पहले, देन रेंडर। थोड़ा सा ग्रीन ग्लास लगा दिया ना मैंने, थोड़ा सा अच्छा लगे जिससे कि वो ऊपर लाइट तो जली नहीं रही। कम जल रही है, तो जल तो रही है, बहुत कम जल रही है, लेकिन लैंप सीलिंग है वो। अच्छा, लैंप सीलिंग में लाइट पहुंची है, वो डुप्लीकेट तो कर लिया हमने, लेकिन उसकी लाइट वहां नहीं पहुंची है गाइस। आपको लाइट तो पहुंचानी पड़ेगी, ये तो फिर तगड़ा पंगा हो जाएगा, नहीं तो इंस्टेंट कर दो उसको। आपने अलाइन टूल यूज करो और इसको लाइन कर दो सिंपल, और लाइन के लिए उसको ऑन करना पड़ेगा ना। किधर गई लाइट, लाइट डुप्लीकेट, डुप्लीकेट कुछ ज्यादा ही वार्म कर रखा है इसको, इतना ठीक है। वीरेशन बंद करो, हाँ ठीक लग रहा थोड़ा सा। गिलास तो नहीं लग रहा अच्छा इतना, इसको ब्लू वाला करके देखते हैं एक बार कैसा लगता है। इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि कंपैरिजन कर सकें। प्रेस पी, ठीक है, ऑल सेलेक्ट करो ग्लास को सारी, एम प्रेस करो और इसको तो डिलीट ही मार दो, बिकॉज ये
सही नहीं है, इसको साइन कर दो। और ना मैंने वाटर में ना नॉइज़ लगाया था, आप देख सकते हो मेरी प्रीवियस वाली वीडियो में, तो मुझे ना वही वाटर का मटेरियल लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ना क्या है ना, मैंने थोड़ा नॉइज़ वगैरह ऐड करा था, ये देखो ये वाला, तो उसमें थोड़ा सा डालना ही पड़ेगा इसमें नॉइज़, ठीक है। हाँ, अगर इसका कलर आप थोड़ा सा चेंज करना चाहो, ब्लूइश करना चाहो तो कर सकते हो आप थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से मैंने उसको अलाइन नहीं किया गया, मतलब असाइन नहीं किया गया, ठीक है। प्रेस सी एंटर। प्रेस सी कैमरा मोड में आने के लिए और फिर शिफ्ट क्यू रेंडर। इसको निकलने दो, दो मिनट। सो गाइस, गिलास का नहीं लग रहा इतना मुझे अच्छा, तो एक काम करते हैं, हाँ इसको करते हैं सेव यहाँ पे, ठीक है। इसको कर लो आप, दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार, इसको ए कर लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं। सो ए हमारा ये वाला था, थोड़ा सा आया इम्प्रूवमेंट, वैसे ये वाला ज़्यादा रिफ्लेक्टेड था, वैसे ये वाला थोड़ा सा कम रिफ्लेक्टेड है, एज़ कम्पेयर टू दिस वो वाला ज़्यादा बेटर था, मतलब पहला वाला ए वाला ज़्यादा बेटर है, तो वही लगा लेते हैं, उसका ग्रीन जो कलर है वो कम कर लेंगे। सेलेक्ट कर लो आप, पहले तो वीरे कॉस्मोस में आ जाओ आप, ये ज्यादा रिफ्लेक्टेड है एज कंपेयर टू दिस, सेलेक्ट कर लो उसको यहाँ पे ले आओ।
कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ मल्टीपल ग्लास, ठीक है, सिलेक्ट कम कर लो, बहुत लाइट कर लो उसको, इसकी रिफ्लेक्शन अच्छी खासी आ रही थी वैसे, अब देखते कैसा आता है रिजल्ट इसका। अब थोड़ा ठीक है, ये मेरे को तो परफेक्ट लग रहा है ये। ओहो, वुड वाले मटेरियल में शायद वो कलर हो गया गलती से। वुड वाले मटेरियल में ग्लास का कलर हो गया गलती से। आप एक काम करो, आई ड्रॉपर टूल लो, इस पर क्लिक करो और फिर इसको सेलेक्ट कर लो ऐसे ही। ठीक है, डन। ठीक है, प्रेस सी, रेंडर। ओके, निकल ले दो रेंडर अभी इसका। ओके, तो अब इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारा पहला वाला, ये हमारा अब जो निकाला है हमने। ठीक है, ये ठीक है वैसे। ठीक है, ठीक है, तो लाइटें बहुत लगा दी हमने यहाँ पे। आईएस लाइट आपने यूज करी होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ आईएस लाइट क्या होती है। जो स्ट्रीट लाइट होती है ना बेसिकली, वो होती है हमारी आईएस लाइट। ठीक है, मेरी कॉस्मोस में आ पाया था आईएस लाइट, वीरी आईएस लाइट, क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, ठीक है, आइसोलेट मोड से बाहर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ऊपर ले आओ उसको थोड़ा सा। ये देखो कैसे टीडी सी हो गई है, इसका टारगेट सेट करेंगे नीचे की साइड थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, इसको मूव कर दो आप, जहाँ जहाँ मैंने वो लगा रखी है अपनी लाइट, वहाँ वहाँ पे मैं ये लगाऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखी है एक, तो मैं यहाँ पे आई एस लाइट लगाऊंगा यहाँ पे ऐसे करके, इसको मूव कर दो टॉप में ले जाओ ऐसे।
ठीक है, सो दैट मेरा जो रिजल्ट है वो थोड़ा रियलिस्टिक आ जाए। ये पड़ा इसका टारगेट F3, टारगेट रख लेते हैं यहाँ पे इसका। डन, एक बार एंटर निकाल के देख लेते हैं इसका। देखो आपको दिख रहा होगा वहां पे आईएस लाइट का व्हील दिख रहा है ना, तो दैट्स अ बेनिफिट, दैट्स अ बेनिफिट ऑफ आई एस लाइट। एक जरा यहाँ चल रही है, एक देखते हैं लाइट कहाँ कहाँ नहीं चल रही है। लैम्प ये देखो, देख रहे हो आप, वीरे सिलेंडर लाइट जल नहीं रही है, देखना पड़ेगा एक बार सीलिंग लैम्प। कहीं तो जल्दी नहीं रही, दिख दो लाइट तो जल्दी नहीं रही। देखो ये जल रही है नहीं जल रही है इतना पता नहीं लग रहा इनका, जल तो रही है ये वाली लाइट हल्की फुल्की जल रही है, कोई नहीं। ठीक है, ओके, लाइट तो चला दी मैंने, देख लेते हैं वो क्रॉस चेक कर लेते कोई लाइट। ये देखो आप,
से नीचे कर लो उसको। लाइट तो है इसमें, नहीं लाइट वाइट नहीं है इसमें, ऐसी है ऐसी है ना, तो हटाओ उसको, अच्छा नहीं लग रहा, बेकार लग रहा है मेरे को। ठीक है जी, यहाँ पे लगाया था इसको, ये अच्छा इसकी लाइट नहीं आई थी ना वहाँ पे। कोई नहीं, सेट कर लो। नो वाइट करो उसको थोड़ा सा, कॉपी पेस्ट। थोड़ा जितनी हो गई है उतनी डाल देते हैं पेस्ट। अब एक काम करते हैं, एक और प्लेन लाइट लगानी पड़ेगी अपने को, वीरी लाइट में से ले लो प्लेन लाइट, एक यहाँ लगाएंगे। ठीक है, डन, मॉडिफाई में आ जाओ यहाँ पे, ठीक है सब परफेक्ट है। वैसे तो इसको इंडिविजुअल करना है आपको, ठीक है, और इसकी रिफ्लेक्शन को भी ऑफ कर दो आप, ठीक है। इंस्टेंटली ओनली कॉपी, ठीक है, ये हिडन लाइट लगा रहा हूँ जिससे कि जो क्लैरिटी आ जाए थोड़ी लाइट में, ठीक है, क्वालिटी भी अच्छी हो जाए थोड़ी सी लाइट की।
रेंडर देख लेते एक बार। ठीक है, नॉट बैड। यहाँ से बंद करना चाहो तो बंद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कितना 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 रिजल्ट आ रहा था इससे। देख लो हाँ, बस कलर थोड़ा सा करना पड़ेगा उनके लिए। ठीक है, सेम कलर कॉम्बिनेशन डालना पड़ेगा इसमें। इस वाले में ना ये जो लाइट है, आईएस लाइट, इसकी पावर थोड़ी सी बढ़ा, नहीं मत बढ़ाओ, ज़्यादा पावर बढ़ जाएगी। कॉपी कर लो उसको, सेम पेस्ट कर दो, पेस्ट। पेस्ट पेस्ट अब थोड़ा सा रियलिस्टिक फील आ रहा है। ये कुछ ज़्यादा लाइट आ रही है ना इसकी, अगर हम इसको 0.2 कर दें। तो इतनी नहीं दिक्कत आ रही है इससे। ये अंदर वाली लाइट है, इसको ज़्यादा लाइट देने का कोई मकसद वो नहीं है, कम ही रखो उसको। तो लाइटिंग तो ऑलमोस्ट डन हो गई है, अभी काम करते हैं।
मुझे लगता है कि ना जहाँ जहाँ लैंप पे हमें थोड़ी थोड़ी एक स्पेयर लाइट भी लगा देनी चाहिए और वाइट कर देनी चाहिए। अब एक काम करो, मेरी लाइट में आओ, यहाँ से ले लो स्पेयर लाइट, क्रिएट कर लो। ठीक है, छोटा कर लो उसको। ठीक है, इसको कर लो आप इनविजिबल कर लो, एक तो अफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ कर दो। ठीक है, कॉपी पेस्ट। पेस्ट कर दो। ठीक है, सब में पेस्ट हो गया। प्रेस सी, कैमरा ओके, रेंडर। ओहो, ये शैडो आ गई इसकी। फ्यूज पैकलर शैडो, थोड़ा सा बाहर करना पड़ेगा इसको। अफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, इसको मतलब ऑन कर दो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कर दो कि शैडो ना दिख बन पाए इसकी यहाँ पे। अब देखते एक बार,
नाउ गाइस यू कैन सी शैडो हट चुकी है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले एक डोम लाइट लगाते हैं, ठीक है। सो लाइटिंग मैंने सेट कर ली है यहाँ पर सारी, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी अगर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं एक डोम क्रिएट करूँगा, क्रिएट डोम लाइट, ठीक है। इसको ले जाओ, लेके आओ बाहर, ठीक है। देख लो कोई डूम लाइट ना आ गई हो यहाँ पे गलती से, ठीक है। सिलेक्ट कलर डूम लाइट पे क्लिक करके क्रिएट कर दो, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आता हूँ, उसको डालता हूँ, मैं नाम डालता हूँ उसका, स्काई ब्लू, ठीक है। रेंडर में आऊँगा, एनवायरनमेंट में आऊँगा, यहाँ से इसको कट कर दूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। डन, प्रेस सी कैमरा, नाउ यू कैन सी वी हैव अ डोम लाइट ओवर हियर, सी ओके गाइस, ये आ गया हमारा ब्लू। मॉर्निंग का निकालना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये उसके लिए एक वीडियो कॉस्मोस में आ जाओ, एक मिनट, थोड़ा सा ये लाइट चाहिए अपने को, एसेट्स पे आ जाओ, वॉल लाइट डाल दो यहाँ पे, ये ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं, डन इंपोर्ट, रोटेट, ठीक है। एक लाइट यहाँ लगा दो आप, एक लाइट यहाँ पे, कि लाइट कॉपी नहीं हुई इसकी, सिलेक्ट लाइट, सिलेक्ट हो गए दोनों, कॉपी कर दो यहाँ पे, ठीक है। ये लाइट कॉपी हो गई, ठीक है। मैंने एक डोम लाइट लगा दिया यहाँ पे, मुझे एक और डोम लाइट लगानी है यहाँ पे, मैंने लिया यहाँ पे, क्रिएट किया, इसको मैंने कर दिया यहाँ पे मॉडिफाई में जाके ऑफ। अब मैं इसको बनाऊंगा क्लाउड, वीरे क्लाउड, क्लाउड
ठीक है। सो वीरे कॉस्मोस से मैं इवनिंग का ले लूँगा यहाँ से, ऑल एसेट्स HDRI डाल दो आप यहाँ पे, मैच, ठीक है। सो मैं एक वीरे क्लाउड ले लेता हूँ यहाँ पे, पिक कर लेता हूँ, मैंने डाउनलोड में शायद मेरे पास है, मैं देख लेता हूँ एक बार, गो बैक डाउनलोड HDRI मैंने डाउनलोड तो किया था, एक सेकंड भी पता लग जाएगा, यहाँ पे है HDRI मैंने ली थी यहाँ पे। गिरी ना, सनसेट का ले लेते हैं, ठीक है, सनसेट का भी ले लेंगे, पहले एक वीरे क्लाउड ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको आप डिलीट मारो, ये ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देन अब इसको रोटेट करके देखते हैं, पहले आप एक बार देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है, ठीक है। वीरे क्लाउड, वीरे सनसेट का लिया था मैंने, रिजल्ट देखते हैं थोड़ा कैसा आता है। हाँ ठीक है, लेट से इसका एक्सपोजर कुछ ज़्यादा आ रहा है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, इसको मूव करना चाहो तो मूव भी कर सकते हो। वो कैसे करना है वो बता दूँ आपको, आपको क्या करना है, पी प्रेस करना है आपको, प्रेस पी, इसको सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ लॉक टेक्सचर टू आइकन, अगर मैं इसको यहाँ पे मूव करता हूँ ऐसे, तो देख सकते ये भी यहाँ पे मूव हो जाएगा, एक सेकंड कैमरा भी मुझे आना पड़ेगा ना, थोड़ा सा मूव कर देना इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टली, अच्छा मूव कर दिया मैंने, लॉक टेक्सचर टू आइकन, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसका एक्सपोजर को मूव करूँगा क्लाउड को, ठीक है। अगर यहाँ से नॉर्मली आपने मूव कर दिया तो ये पूरा मूव हो जाएगा ऐसे, आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको एक मिनट, कैमरा एंटर रेंडर, ओके क्लाउड आ गए। अगर देखो नहीं मूव हो रहा है ना, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, सेलेक्ट करना है इसको, एम प्रेस करना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको ना मैप को, ये जो मैप है इसका, ड्रैग एंड ड्रॉप मार दो यहाँ पे, ठीक है, इंस्टेंट करके मार दिया। यहाँ पे आप आ जाओ उसके अंदर, ठीक है, हॉरिजॉन्टली रोटेट कर दो आप, लेट से 200 डाल दिया मैंने, अब एक बार रेंडर करके देखो आप, सन जो है ना HDRI का, वो वहाँ पे अलग साइड चाहिए मेरे को। नाउ यू कैन सी, थोड़ा सा अभी भी वो फील नहीं आ रहा, तो आप एक काम करो 150 के अप्रॉक्स को मूव कर देते हैं, बाकी अच्छा लग रहा है, वहाँ से सामने से आ रही है लाइट, तो मैं इसको अगर 250 कर दूँ तो उससे ज़्यादा जाएगा नहीं ना, 150 कर देते हैं, एक सेकेंड में डालता हूँ यहाँ पर
जा तो रहा है 250 के समथिंग करते हैं अपने, 250 के समथिंग। एक सेकेंड सेलेक्ट कर लो उसको, टू फिफ्टी फ्लिप हॉरिजेंटली, नाउ रेंडर। ठीक है, थोड़ा सा आ गया क्लाउडी सा। ठीक है, अब मेरे को लगाना है सनसेट का, एक डोम लाइट मुझे सनसेट की चाहिए। इसको कर लो आप ऑफ, इसको कर दो ऑफ। मेरे कॉस्मोस ओपन कर लो यहाँ से, मुझे चाहिए सनसेट का। तो मैं आ जाता हूँ, मुझे अगर और अच्छा मिल जाए तो HDRI, आप आ जाओ। बिल्कुल सनसेट का चाहिए मेरे को, नाइट का एकदम। या तो आप एक काम करो, यहाँ पे आओ HDRI में आ जाओ, यहाँ पे या रात का ही लेते हैं बिल्कुल, है ना। सनसेट, सनसेट ये ठीक है। डाउनलोड तो हो ही गया, ये क्या है किधर, इसको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, डन। प्रेस सी, कैमरा रेंडर। अभी थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा ये वाला है ना, एम प्रेस करूं, ड्रैग एंड ड्रॉप इंस्टेंट, और इसका करो आप 200 के समथिंग, फ्लिप नॉर्मल वीरे का तो बंद करना पड़ेगा ना एनवायरनमेंट। ये सन नहीं चाहिए, एक सेकंड इसको डालते हैं नाइट, नाइट के नाम से सेव कर लेते हैं, ये जो हमारा दूसरा है ना। नाइट स्काई, ठीक है, 150 या बिल्कुल फ्लिप हॉरिजॉन्टली यहाँ पे करते इसको। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। बड़ा कर लो अभी, देखते हैं इसमें जो उसकी लाइट मिक्सचर में आते हैं। वीर स्काई, नाइट स्काई है ना ये, तो ऑन है। ठीक है, वो तो डूम लाइट तो बंद ही कर रखी है मैंने, एनवायरनमेंट इसका मैंने ऑन कर दिया, तो मेरे मन में कुछ है नहीं। वीर सन होगा, होगा तो ठीक है।
मजा नहीं आ रहा इसमें, नाइट का फील ही नहीं आ रहा पूरा। डिलीट मार देते इसको, अब देखते हैं क्या रेंट आता है। वो फील नहीं आ रहा उसमें। वीरी कॉस्मोस में आते हैं, एकदम नाइट को उठाते हैं। इसको आप ले जाओ यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो उसका 0.5 पे समथिंग, ठीक है। एम प्रेस कर लो, ड्रैग एंड ड्रॉप इंस्टेंट 222 के समथिंग। एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है इसका ना, सेट कर लेंगे अपन, ठीक है। देन उसके बाद रेंडर, ये ठीक है वैसे, ठीक है। बाकी हम इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फ्रंट का देखते कैसा आता है। ठीक आ रहा है फ्रंट का, यहाँ पे कुछ और भी ट्रीज लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। सो लेट्स से मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर कॉपी कर लेता हूँ, डिलीट, कॉपी, नॉर्मल कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी,
थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, और जो कैमरा टू है ना, कैमरे में आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, सिलेक्ट कर लो। फोकल डेंथ की बढ़ा लो आप। ठीक है, डन। अब ये जो है ना, थोड़े से ये आपको डुप्लीकेट करने पड़ेंगे थोड़े से। ठीक है, उसके बाद सेंटर देते हैं आप। थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव और ठीक कर सकते हैं हम इसका। राइट कर लो, कॉपी कर लो उसको, थोड़ा सा यहाँ पे ले आओ। ठीक है, तो फ्रंट का भी सेट कर लिया हमने। ओके, अब थोड़ा सा आ जाते साइड में। डन, कार को रिप्लेस करना चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कार लगानी है आपको, और कोई दूसरी कार लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी कार सही रहेगी। ऑफिस, कैन टाइप ओवर हियर कार,
यहाँ पे ये वाली कार हम प्लेस कर लेते हैं। प्रोस्पेक्टिव इमेज रेंडर, थोड़ा सा आ जाओ यहाँ पे कैमरे में, कैमरा को सेट करते हैं पूरे ढंग से, कैमरा थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा सा बिगड़ गया है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मूव करते हैं इसको ऐसे ही। थोड़ा सा फोकल लेंथ बढ़ा लेते, कम कर लेते इसकी, सेलेक्ट करो उसको, तो आप देख सकते हो रेंडर काफ़ी अच्छा निकल गया है। ठीक है, अब भी इसका फाइनल आउटपुट निकालते हैं, हम थोड़ी सी करेक्शन और कर लेते हैं। थोड़ा सा कैमरे में इसमें सेलेक्ट द कैमरा, फोकल लेंथ बढ़ा लो थोड़ी सी या कम कर लो, थोड़ी बढ़ा लो,
ठीक है, डन। ओके, तो अब सारी लाइटों को ऑन कर देते हैं हम, जितनी उनमें लगाई थी। ठीक है, आ जाओ आप यहाँ पे, ऑन कर दो उसको भी। ऑन कर दो, ठीक है। लेट्स सी द आउटपुट। ओके गाइस, नाउ यू कैन सी द ओवरऑल आउटपुट लुक्स गुड। अब यहाँ से वेरिएशन भी ऑन कर लेते हैं, वी एनवायरनमेंट वेरिएशन। थोड़ा वेरिएशन मुझे लगता है कि कम होना चाहिए। मॉर्निंग का और वो थोड़ा सा नाइट का सीन सारा निकल जाएगा आपको एक बार में। सो निकलने देते एक मिनट, फिर मैं आपको सारे दिखाता हूँ, नाइट का और उसका इवनिंग का सारी सारे इफेक्ट आप लगा सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अभी मेरे को एक कमी लग रही है, मेरे जो ट्री थे यहाँ पे वो दिख नहीं रहा सही से। ऑलमोस्ट निकल गया है, अब मैं कुछ करेक्शन करके दिखाऊंगा उसमें। और फिर देखो गाइज, इसकी जो भी सेटिंग्स है, आई होप आपको लाइटिंग वाइटिंग सब समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप अगर आपको मेरी टेक्सचरिंग की वीडियो देखनी हो तो आप देख सकते हो, मैं ऊपर आई बटन पे लगा दूंगा। ठीक है, और मैं ऊपर शो कर दूंगा जब भी मैं अपलोड करूंगा। मैंने अपलोड कर दिया, आप देख सकते हो। और मुझे कैमरा सेटिंग की भी और कुछ एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ इन फ्यूचर। ठीक है, सो वो भी मैं ऊपर लगा दूंगा, जैसे ही वो अपलोड होगी मैं ऊपर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ऊपर शो हो जाएगी आपको। सो कुछ सेटिंग्स होती है जिससे यू नो जो रिज़ल्ट होता है वो काफ़ी रियलिस्टिक निकल जाता है। ठीक है, सो अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि जो मल्टीपल डोम लाइट हमने यहाँ पे क्रिएट करी थी, ठीक है, उसको हम कैसे स्विच ऑन ऑफ करके उसको यू नो अपना अपना अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, ताकि मैं आपके आपके लिए इन फ्यूचर ऐसी वीडियोस लाता रहूं। ओके, सो ऑलमोस्ट निकल गया है। ठीक है, अभी मैंने ज़्यादा हाई क्वालिटी में सेट नहीं किया था, मैंने नॉर्मल क्वालिटी में निकाल रहा हूँ, दैट्स वाई कुछ ऐसा पिक्सेलेट हो रहा है थोड़ा बहुत, बट नो वरी। आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास सारी लाइट्स है, हमने अलग अलग लाइट्स के नाम भी डाले थे, यहाँ पे बंद कर सकते हो सबको। ठीक है, जैसे लैंप वगैरह, लाइट वगैरह जो भी चाहिए आपको वो लगा सकते हो, ऑन कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से मैं भी सिंपल यहाँ पे ऑन करता हूँ, इसको मैं ऑन करता हूँ सेल्फ इल्यूमिनेटेड को। जो सेल्फ इल्यूमिनेटेड क्या है, जो अपने अकॉर्डिंग थोड़ी लाइट चल रही है, कार की थोड़ी लाइट चल रही थी, इसमें वेरिएशन नहीं चाहिए अभी मेरे को, वीरे लाइट चाहिए अभी, देख लेते हैं नाइट का चाहिए ना, पहले नाइट का सेटअप करते हैं। लेट्स से मैंने कुछ डूम लाइट, सन सेट लाइट ये थी, एक स्काई ब्लू था हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे एक ये वाली लाइट थी। ठीक है, ये नहीं चाहिए अभी अपने को। ठीक है, ये सनसेट चाहिए, देख लेते हैं कौन सी बेटर है। ये ज़्यादा बेटर लग रही है मेरे को तो, एज़ कम्पेयर टू अदर डूम लाइट। सो मैं इसका थोड़ा सा कलर डार्क कर सकता हूँ। ठीक है, लाइक दिस। यहाँ से डार्क कर सकते हो आप। ठीक है, डार्क कर लिया। देन उसके बाद मैं सारी लाइट ऑन करता हूँ, लैंप सीलिंग वगैरह की जितनी भी लाइट मैंने लगाई थी।
ठीक है, पेंडेंट की लाइट है, स्काई ब्लू नहीं चाहिए, ट्रीज लाइट ठीक है, बीरे आईएस लाइट ठीक है, ओके ऑन कर सकते हो आप इसको। ये मत ऑन करना बस, ठीक है। तो ये लाइट मैंने यहाँ पे लगा दिया, ऑन कर दिया। अगर आपको लाइट की थोड़ी सी क्वालिटी और बढ़ानी है इसको, अगर आप 0 कर दो, 0.1 कर दो और डार्क कर दो, तो ये भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे देगा। क्लाउड चाहिए अपने को ना, छोड़ दो आप, नॉर्मली कर दो उसको। ठीक है, तो देखो ऐसे आप नाइट कैलेंडर निकाल सकते हो, आपको मॉर्निंग का निकालना है, जैसे भी निकालना है आप यहाँ से सेट कर सकते हो। लाइटिंग की अब आपको क्या करना है, लेट से मेरे को थोड़ा सा एक्सपोज़र बढ़ाना है, ठीक है। आप एक्सपोज़र में आ जाओ, यहाँ से एक्सपोज़र को अब लाइट जो हाईलाइट बर्न हो रहा है इसको आप ज़्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो, एक्सपोज़र बढ़ा सकते हो अपनी लाइट का, ठीक है। और जो लाइट बर्न हो रही है ना ये यहाँ से कंट्रोल होती है, देखो बर्न होगी तो ज़्यादा हार्श लाइट क्रिएट हो रही है, तो मैं इसको लाइट बर्न को थोड़ा कम कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यू कैन सेलेक्ट द एक्सपोजर, आप जो लाइट थी इसकी सनलाइट सनसेट लाइट इसको 0.2 कर दो थोड़ा सा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 0.3 कर दो थोड़ा सा हल्का सा, आपको बिल्कुल नाइट का रेंडर निकल जाएगा। एंड देन वाइट बैलेंस को आप सेलेक्ट कर सकते हो, टेम्परेचर किस तरीके से रखना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा वार्म फील चाहिए, और यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं जैसे फिल्मिक टोन मैप यू कैन यूज़, ठीक है। लीनियर एंगल, थोड़ा सा लीनियर स्ट्रेंथ कितनी चाहिए आपको, ठीक है। शोल्डर स्ट्रेंथ कितनी चाहिए आपको, यू कैन सेलेक्ट वर्क ऑन दिस टॉ स्ट्रेंथ, ठीक है। नाउ यू कैन सी परफेक्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से, आप देख सकते हो कितना रियलिस्टिक रिजल्ट। अभी एक्चुअली क्या है ना, नॉइज इसमें आ रहा है क्योंकि मैंने अभी हाई क्वालिटी में नहीं निकाला रेंडर। आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलेक्ट कर लो, देन यू कैन सी द आउटपुट, ओके। सो आई होप गाइज आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी, जो मैंने मल्टीपल डोम लाइट क्रिएट करी थी यहाँ पे, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।